एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड जो करंट इवेंट्स हैं उनके बारे में। और ये करंट इवेंट्स जो हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और जनरल एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं करंट इवेंट्स जो कि रिलेटेड हैं एजुकेशनल फील्ड से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कक्षा 3 से 12 तक की पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी के द्वारा जो स्थापित 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति है, जिसको एनएसटीसी के नाम से या नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो उसके अध्यक्ष हैं एमसी पंत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बना है देश का? तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कर्नाटक। थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने IIT कानपुर के साथ में मिलकर इस योजना यानी कि पहल का शुभारम्भ किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, NEP 2020 में खेल आधारित शिक्षण सामग्री की परिकल्पना की गई है। इस नीति के अनुसार केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में जादुई पिटारा जो कि एक प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया। तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है 3 से 8 वर्ष के बच्चों हेतु, और ये 13 भाषाओं में जो है मतलब इसको लॉन्च किया गया है जादुई पिटारा को। फिफ्थ क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम किस योजना की वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया? तो जो ये अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो कार्यक्रम है ये NEP 2020 की वर्षगांठ को मनाने के लिए आयोजित किया गया, और ये दिल्ली में भारत मंडपम जो जगह है वहाँ पर आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमान मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट को जारी किया है? तो वो जारी किया है शिक्षा मंत्रालय ने, MOE ने। तो शिक्षा मंत्रालय इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश भर में प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार के लिए कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया? तो वो जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया था वो था निष्ठा। निष्ठा की जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो निष्ठा के फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। NISHTHA निष्ठा प्रोग्राम की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम बताइए, जिसने कि 360 डिग्री पर होलिस्टिक जो मतलब एक तरीके से असेसमेंट है उसकी बात की है। तो उसका नाम है परख, PARAKH परख। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र जो विकास है उसको जो जाँचने की जो स्कीम है 360 डिग्री पे उसी को कहा गया है परख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई स्टार्स परियोजना कितने राज्यों को कवर करेगी? तो ये राज्यों को कवर करेगी 6 को, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा को सम्मिलित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टार परियोजना के फुल फॉर्म की। तो स्टार परियोजना जो है वो है स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टार्स। स्टार की फुल फॉर्म होंगी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि बच्चे को पढ़ने लिखने की दक्षता हासिल हो। तो कितने साल के बच्चों को ये दक्षता हासिल होनी चाहिए, FLN हासिल होना चाहिए, फंडामेंटल जो मतलब लिटरेसी और न्यूमेरेसी की जो कैपेसिटी है उनके अंदर, जब वो बच्चे क्लास 3 तक रीच करें पहुंच जाएं तब तक उनके अंदर ये डेवलप करने का निपुण भारत का मिशन का लक्ष्य है। और वो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक का, यानी कि उन्होंने सोचा है कि हम 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में NCF का अधिदेश दस्तावेज किसने लॉन्च किया था? तो वो लॉन्च किया था श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितनी अवधि के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 5 ईयर्स के लिए, जो कि 2022-23 से स्टार्ट होकर 2026-27 तक रहने वाली है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि अभी बहुत ही करंट इवेंट का क्वेश्चन है, कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपना चंद्रयान कार्यक्रम की शुरुआत कब की है? तो वो की है 17 अक्टूबर 2023 के लिए। NCF 2023 की कितने भाषाओं में वर्गीकृत किया गया है? तो मतलब इसके अंदर जो कितने भाग हैं वो भाग हैं 5, यानी 5 भागों में इसको अंदर वर्गीकृत किया गया है। और जो फाउंडेशनल पिलर्स हैं NEP 2020 के, वो कौन से पिलर्स हैं? वो पिलर्स हैं एसेसिबिलिटी, यानी सभी को ये एक्सेस होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी, सभी लोग इसको अफोर्ड करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी को अकाउंट करनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है ये, इक्वेटी की बात करती है, और एक्सेस यानी सभी को इसका एक्सेस हो इसकी भी बात करती है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं NEP 2020 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइस की फुल फॉर्म क्या होगी, तो वो होगी रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। अरुण जेटली ने राइस प्रोग्राम को 2018 के बजट में पेश किया था। दीक्षा की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग, 2017 में लॉन्च किया गया था इसको। एचआरडी मिनिस्टर जो निशंक थे, रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने वर्चुअली रिलीज किया था एक कार्यक्रम जिसका नाम था प्रज्ञा। और ये प्रज्ञा जो था, ये गाइडलाइन थी डिजिटल एजुकेशन को लॉन्च करने के लिए। और ये डिजिटल एजुकेशन को लॉन्च करने के लिए जो प्रज्ञा प्रोग्राम था, ये 14 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। अगर हम स्वयं कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है मासिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया गया है 2023 में, उसकी जो है मतलब कि इसके बारे में जो हम देख रहे हैं कि इसका जो एक तरीके से थीम है, वो थीम क्या है, तो वो थीम है कि लोगों में निवेश करें और शिक्षा को प्राथमिकता दें। और ये जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया गया, वो किया गया 24 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है EMRS जो है, जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनको कब स्टार्ट किया गया, तो उनको स्टार्ट किया गया था 1997 से लेकर 1998 के दौरान। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो शुरू किया गया था 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर। और जो शुरुआत करने का काम था, वो किया था श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। आई होप आपको ये 22 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये क्वेश्चन जो हैं बेसिकली रिलेटेड हैं एजुकेशन फील्ड के करंट इवेंट्स के। अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।